लेट अस सी में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं डेटा टाइप्स रिविजिटेड स्टोरेज क्लासेस इन सी. स्टोरेज क्लासेस क्या होती है, हमने देखा कि जब हम डेटा टाइप्स पढ़ते हैं तो वो डेटा टाइप बताता है कि कितनी मेमोरी हमको एलोकेट होगी, जो हमारा मेन मेमोरी है उसमें एक किसी भी वेरिएबल को. अब टाइप के साथ एक और चीज आती है स्टोरेज क्लास. कौन सी चीज, डेटा टाइप तो बता दिया कि मेमोरी में रखा जाएगा, लेकिन किस मेमोरी में रखा जाएगा. डेटा टाइप तो बताता है कि कौन सा डेटा कितनी जगह लेगा, लेकिन उसकी स्टोरेज क्लास क्या है, कहां पर उसे रखा जाएगा, इसको हम देखेंगे. बहुत सारी हमने प्रोग्राम के बारे में बात की और हमने देखा कि हमने बाय डिफॉल्ट कई सारे स्टोरेज क्लासेस ऑलरेडी यूज कर लिए, हमने ऑलरेडी स्टोरेज क्लास यूज किए हुए हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट थे, अभी तक हमने उसे देखा नहीं. अभी आपको जब मैं बताऊंगा तो आप समझ में आएगा आपको कि कई चीजें हम स्टोरेज क्लास यूज कर रहे थे लेकिन हमें उसकी जानकारी थी नहीं. वेरिएबल जो स्टोरेज क्लास के हैं, क्योंकि सी कंपाइलर अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वेरिएबल नेम आपको वो लोकेशन बताता है कंप्यूटर में या मेमोरी में जहां पर आपका वेरिएबल वैल्यू स्टोर होगा. तो दो टाइप के लोकेशन होते हैं, एक तो आपका मेमोरी होती है जिसे हम मेन मेमोरी कह रहे हैं, और एक सीपीयू के रजिस्टर्स होते हैं, सीपीयू में आपके रजिस्टर्स होते हैं. तो वेरिएबल का स्टोरेज क्लास क्या है, यानी क्या वो मेमोरी में जा रहा है, क्या वो सीपीयू में जा रहा है, सीपीयू के रजिस्टर में जा रहा है, या और कहां रखा जा रहा है, स्टैक में रखा जा रहा है, कहां रखा जा रहा है. तो इस तरीके के लोकेशन जो है ये डिसाइड करते हैं कि आपका स्टोरेज क्लास क्या है. तो जो वेरिएबल के स्टोरेज क्लास है ये हमें बताते हैं कि पहली चीज वो कहां रखा जाएगा. सबसे पहली चीज वेयर, ये स्टोरेज क्लास का मेन मुद्दा यही है कि कहां रखा जाएगा. वेरिएबल की शुरुआत की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू क्या होगी. अगर आपने कोई इनिशियल वैल्यू वेरिएबल को नहीं दी तो उसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होने वाली, और स्कोप क्या होगा वेरिएबल का, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, यानी किस फंक्शन में और कौन कौन से फंक्शन में वेरिएबल अवेलेबल होगा, किसमें नहीं होगा. स्कोप किसे कहते हैं, हम इसे स्कोप कहते हैं. और एक लाइफ टाइम होती है कि वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या है, मतलब कब तक वो जिंदा रहेगा, कब तक वो एग्जिस्ट करेगा. तो चार स्टोरेज क्लासेस है सी में, एक है आपकी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, एक है रजिस्टर स्टोरेज क्लास, एक है स्टैटिक स्टोरेज क्लास और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. इनको एक एक करके देखते हैं. ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, अब ये क्या होता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. ऑटोमेटिक का जैसे नाम ही यहां दिया जा रहा है ऑटो, तो स्टोरेज इसकी मेमोरी होती है मेन मेमोरी, इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, हमें पता नहीं, गार्बेज वैल्यू कुछ भी आ सकती है. जो स्कोप होगा इस ऑटोमेटिक का वो ब्लॉक में होगा, यानी ये ब्रेसेस दिए ना, इसके अंदर ही अगर यहां पर आपने ऑटोमेटिक दिया हुआ है या फिर एक ऐसा स्टोरेज क्लास है जिसके लिए ऑटो बनाया हुआ है, वो केवल यहीं पर विद्यमान रहेगा, वहीं पर नोन रहेगा. ऐसे लाइफ है, इसकी लाइफ क्या है, यहां से शुरू होगा, यहां पर खत्म हो जाएगी. जब तक कंट्रोल यहां से यहां रहेगा और यहां तक निकल जाएगा, जहां पर वेरिएबल डिफाइंड है वहां पर इसकी लाइफ रहेगी. अब इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पर हमने ऑटो स्टोरेज क्लास लिया है, एक वेरिएबल बनाया है आई और जे दो बनाया बल्कि, और उसमें ऑटो हमने ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास दिया है. अगर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो अगर ऑटो है तो उसमें गार्बेज वैल्यू होगी. अगर आई और जे को प्रिंट करेंगे आप तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, अगर आप ये प्रोग्राम वाकई में चलाएंगे तो कोई भी वैल्यू आ सकती है. इसको हम गार्बेज वैल्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये है तो सही कोई वैल्यू, लेकिन ये अनप्रेडिक्टेबल है. जिस वैल्यू को हम चाहते हैं या जिस वैल्यू पे हम काम कर रहे हैं वो ये वैल्यू नहीं. तो जो ऑटो है ये वाला, ये ऑटो है, यहां पर ऑटोमेटिक नहीं लिखते, केवल ऑटो है. अब इसका स्कोप और लाइफ टाइम थोड़ा बता देता हूं आपको. आपने क्या किया, यहां पर कहा ऑटो इंट आई इक्वल टू वन, ब्रेस शुरू किया आपने, एक और ब्रेस दिया और एक और ब्रेस दिया. यहां पर आपने कहा प्रिंट करिए आई को, यहां पर भी आपने कहा इस ब्रेस के बाद, इस ब्लॉक के बाद आपने कहा यहां प्रिंट करिए, फिर इस ब्लॉक के बाद आपने कहा यहां प्रिंट करिए. तो ये प्रिंट होगा कि नहीं होगा आई, क्योंकि ये ऑटो है तो ये तीनों ही जगह पर प्रिंट हो जाएगा, इस जगह पर भी, ये सबसे बाहर का है, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी. ये तीनों किस जगह क्यों प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि इसका जो
ऑटो हमने जब कहा तो वो सबसे बाहर था, और इसकी लाइफ टाइम जो है, क्योंकि ये यहां से यहां तक है, यहां पर है, इसकी लाइफ टाइम यहां से लेकर यहां तक है, क्योंकि ये इस ब्रेस के अंदर है। तो क्योंकि ये ब्रेस इसके अंदर आते हैं, ये ब्रेस इसके भी अंदर आता है, ये ब्रेस इसके अंदर आता है, अल्टीमेटली एसी के अंदर आ रहा है, तो क्योंकि ये सबसे पहले दे दिया गया है, तो इन सब जगह पे आपको आई इक्वल टू वन मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जहां आई डिफाइन किया वो अंदर नोन रहेगा। एक और चीज देखिए, इंट आई इक्वल टू वन है और यहां पर आई इक्वल टू टू है, आपने यहां आई इक्वल टू थ्री दिया, तो जब आप आई यहां प्रिंट कराएंगे तो आपको तीन मिलेगा इस जगह पे, जब यहां प्रिंट कराएंगे तो क्योंकि यहां इस ब्लॉक में आपने टू दे दिया तो टू मिलेगा, यहां पर वन किया है तो बाहर आपको वन मिलेगा, तो इस तरीके से आपका थ्री टू वन आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक डिपेंडेंट है, ऑटो जब दिया है तो केवल ब्लॉक के लिए नोन रहेगा। इस तरीके से तीन आई आपको थ्री टू वन दिख रहे हैं। अब है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या है, क्योंकि रजिस्टर ये हार्डवेयर की तरफ से बात करें आप, रजिस्टर एक तरीके की मेमोरी होती है जिसमें आप जो काम हो रहा है और जिसमें सीपीयू काम कर रहा है वो चाहे तो टेम्परेरी इसको रख सकता है, एक्यूमुलेटर की तरह रख सकता है, तो स्टोरेज इसका होगा सीपीयू के जो रजिस्टर्स है, हर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर में अपने खुद के रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी होती है, तो इसकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू उसकी भी गार्बेज होती है, और इसका जो स्कोप होगा वो भी लोकल होगा ब्लॉक का जिसमें इसको डिफाइन किया गया है, और जब तक कंट्रोल उस ब्लॉक में रहेगा तब तक इसकी लाइफ रहेगी। स्टोरेज का मतलब यह है कि जब आप इसके आगे यहां कर रहे हैं रजिस्टर, जब आप सीपीयू रजिस्टर में रख रहे हैं, तो जब सीपीयू रजिस्टर में रख रहे हैं तो सीपीयू सब सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, सीपीयू इस पर डायरेक्टली काम कर रहा है तो बहुत फास्ट होगा। तो अगर आपको एक ऐसी चीज है जो बार बार करनी है वो आप सीपीयू रजिस्टर में रख सकते हैं। अगर एक वेरिएबल कई जगह यूज हो रहा है प्रोग्राम में तो बेटर यह है कि उसको एज अ रजिस्टर आप रजिस्टर स्टोरेज रखें। जैसे लूप काउंटर्स है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, लूप काउंटर जिसको आप रजिस्टर में रख सकते हैं। जैसे ये आई है, आई यहां 10 बार यूज होना है, 10 बार यूज होना, बल्कि 10 बार यहां पर 1, 2, 3, 4 और 4 को आप देख लीजिए, ये 10 बार चलेगा, ये भी 10 बार चलेगा, तो कितने बार हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स हो गया ये, तो आई बार बार यूज होगा, क्यों ना इसको रजिस्टर दे दिया जाए। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे हमने आई को रजिस्टर में रखा तो वो सीपीयू का रजिस्टर में जाके रखा जाएगा, और क्योंकि सीपीयू के रजिस्टर हमारे पास लिमिटेड है, वो बहुत ज्यादा नहीं होते, हो सकता है कोई और भी काम चल रहा हो, तो इसके लिए अगर वहां पर जगह नहीं मिलती है उसको, अगर आपने रजिस्टर कहा उसको कि रजिस्टर हम बनाना चाहते हैं और जगह नहीं मिली, तो वो ऑटो की तरह ट्रीट होगा। हर एक वेरिएबल जो है उसको आप सीपीयू रजिस्टर में रख सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर है जिसका 16-bit रजिस्टर होता है, उसमें आप फ्लोट भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, जो 4 और 8 byte लेते हैं। अगर आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास लेते हैं फ्लोट डबल के लिए, तो आपको एरर तो कोई नहीं मिले, लेकिन क्योंकि 16-bit है और 4 पे जैसे गए तो 4 × 8 = 32 bit हो गया, तो उसको फिर वो ऑटो की तरह ट्रीट करेगा। स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या हो रहा है, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने एक आध प्रोग्राम में शायद यूज भी किया है इसको। इसकी स्टोरेज जो होती है अभी तो मेमोरी में है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आती है ऑटो और रजिस्टर से अलग, कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। इसका स्कोप क्या होगा, लोकल होगा इसका भी, और ये सबसे बड़ी बात, इसकी दो चीजें ये बाकी सबसे अलग बनाती है स्टोरेज, जो स्टैटिक स्टोरेज क्लास है, एक तो इसकी इनिशियल वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी, और जितने भी फंक्शन कॉल्स हैं उसके बीच में इसकी वैल्यू एक ही रहेगी, परसिस्ट करेगी। यानी आपने किसी फंक्शन में आई की वैल्यू 2 कर दी, दूसरे फंक्शन में आई की वैल्यू 2 रहेगी, फिर वहां उस फंक्शन में 3 कर दी दूसरे फंक्शन में, तो तीसरे फंक्शन के लिए वो 3 हो जाएगी, माने वैल्यू इंटैक्ट रहेगी फंक्शन कॉल्स के बीच में। अब आप इसको, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, यहां पर हमने कहा कि हम ऑटो इंट ले रहे हैं, इंक्रीमेंट आपने किया, ये फंक्शन कॉल था, आई इक्वल टू 1 किया, आई प्रिंट किया, आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो गया, फिर आप दोबारा जाएंगे तो ये ऑटो के कारण ये दोबारा आई से 1 से इनिशियलाइज हो जाएगा, अगली बार प्रिंट करेंगे तब भी आपका 1 ही आएगा, फिर इसका तीसरी बार इंक्रीमेंट कॉल करेंगे, अगली बार फिर ये ऑटो 1 हो जाएगा, फिर आई आप प्रिंट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो तीनों बार 1 आएगा। हम चाहते हैं आई की वैल्यू जो है जब हम फंक्शन में एंटर करें तो ये आई की वैल्यू वो वैल्यू ले जो हमने यहां पर छोड़ी है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 करके जब हम बाहर निकले, उसके लिए आपको यहां पर स्टैटिक करना पड़ेगा। जैसे स्टैटिक इंट आई इक्वल टू 1 किया, क्योंकि स्टैटिक की वैल्यू हमेशा 0 हो जाती है अपने आप, इसलिए हमने आई इक्वल टू 1 दिया,
पहला इंक्रीमेंट चला आई इक्वल टू वन है, आई वन प्रिंट हो जाएगा, फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन कर दिया, ये वैल्यू जो है अब टू होगी। तो जब अब दूसरा फंक्शन दूसरे बार फंक्शन कॉल होगा, अब जब यहाँ पर आएंगे तो ये आई अपना टू हो चुका है, आप इसको प्रिंट कराएंगे टू आएगा, फिर आपने आई इक्वल टू आई प्लस वन कर दिया, ये आपकी थ्री हो गई, टू से टू प्लस वन कर दिया तो थ्री हो गई। फिर आप जब इस इंक्रीमेंट को कॉल करेंगे थर्ड बार, तो ये वैल्यू इसको थ्री मिलेगी, ये थ्री को प्रिंट करेगा, यानी कि स्टैटिक की वैल्यू फंक्शन कॉल्स के बीच में भी परसिस्ट करती है, वो रीसेंट वैल्यू लेता है उसकी। तो यहाँ पर दो फंक्शन आपने देखे और दो में आपने देखा कि ऑटो और स्टैटिक में क्या डिफरेंस था। स्टैटिक वैल्यू अपने आप को परसिस्ट करती है, उसकी वैल्यू हटती नहीं, ऑटो की वैल्यू हमेशा बार बार जब भी आप एंटर करेंगे वो इनिशियलाइज हो जाएगी, इसीलिए आई जो है रीइनिशियलाइज हो रहा है बार बार पहले केस में ऑटो में, जबकि स्टैटिक के केस में ये हमेशा आई को तो आई प्लस वन जैसे ही होता है ये वैल्यू कंटेन करता है, उसको परसिस्ट करता है, उसको रखता है अपने पास में, बार बार इनिशियलाइज नहीं करता। एक और प्रोग्राम देखिए, यहां आपने क्या किया कि एक पॉइंटर लिया, इंटीजर पॉइंटर, और यहां पर आपने फंक्शन लिया और इसका रिटर्न जो है वो आपने पॉइंटर दिया कि ये रिटर्न एड्रेस करेगा। अब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन यहां पर गया और उसके बाद आपने k इक्वल टू 35 किया, आप अपने k का रेफरेंस पास कर दिया, तो j के पास क्या आ गया उसका रेफरेंस, और j वैल्यू एट j प्रिंट कर दिया आपने, जो भी वैल्यू आपकी वैल्यू एट j आपको 35 प्रिंट होनी चाहिए, है ना। अब हम रिटर्न कर रहे हैं एड्रेस k का इस फंक्शन से और उसको j में ले रहे हैं, और j जो है वो पॉइंटर है किसके लिए, क्योंकि j आपका पॉइंटर है, आपने कहा कि ये k के लिए है, क्योंकि बेसिकली ये क्या हो रहा है, एम्परसेंट j, j इक्वल टू फन, फन की जगह मैं ये लिखता हूँ रिटर्न के, j इक्वल टू एम्परसेंट k ही तो हो रहा है, तो j पॉइंटर बन गया, इस पॉइंटर के थ्रू हम k प्रिंट कर रहे हैं इसके थ्रू, तो ये 35 प्रिंट करेगा। अब कोई भी फंक्शन इस तरीके से कॉल करिए इसके बाद एक बार और कॉल करिए, अब जो प्रिंटफ है वो आपको गार्बेज वैल्यू दे देगा। ऐसा क्यों हुआ, पहली बार तो ठीक था, अगली बार ये आपको गार्बेज वैल्यू दे देगा। पहले केस में जब कंट्रोल रिटर्न हुआ इस फंक्शन से तो के डेड हो गया, क्योंकि वो स्टैक, ये स्टैक पे स्टोर हुआ और स्टैक पे वो ऐसे छोड़ दिया गया, फिर हमने इसको एक्सेस किया किसी और एड्रेस के साथ और उसको जे में कलेक्ट किया। तो जैसे हम प्रिंटफ में गए एक और फंक्शन में, हमने इसको कॉल करने की कोशिश की, तो स्टैक वैल्यू चेंज हो गई, तो हमको गार्बेज वैल्यू मिलेगी, जो वैल्यू कोई ऐसी प्रॉपर वैल्यू मिल सकती है लेकिन हमारे लिए तो वो गार्बेज है। अगर हमको करेक्ट वैल्यू चाहिए हर एक बार जब हम के थ्रू इसको एक्सेस करें तो हमें इसे स्टैटिक करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो कंट्रोल मिलेगा रिटर्न से, मतलब फंक्शन जो रिटर्न करेगा, के खत्म नहीं हो, के परसिस्ट करेगी, तो परसिस्ट कराने के लिए हमें उसे स्टैटिक देना पड़ेगा। ओके, स्टैटिक मैंने बोल तो दिया, लेकिन जब तक इसकी जरूरत ना हो आप इसे यूज मत करिए, क्योंकि इनकी ये मेमोरी में हमेशा रहती है इसकी वैल्यू, जब चीजें एक्टिव हो या ना हो, इसका मतलब वो अपनी मेमोरी पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, अब एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास में एक्सटर्न आ रहा है, यानी एक्सटर्नल आ रहा है, इस तरीके से है कि स्टोरेज तो इसका मेमोरी होगा, इसकी भी इनिशियल वैल्यू जीरो होती है जैसे स्टैटिक की होती है। एक्सटर्न का स्कोप होता है ग्लोबल, ये सब के लिए है, प्रोग्राम के लिए भी है, फंक्शंस के लिए भी है, दो अलग अलग प्रोग्राम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है इसकी एग्जिस्टेंस रही। एक्सटर्न वैल्यू बाकी सबसे कैसे अलग होती है, वो ग्लोबल होती है, एक्सटर्न ग्लोबल होता है। एक्सटर्न को हम बाहर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो जितने भी फंक्शंस हैं उन सब के लिए वो अवेलेबल हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, हमने मेन लिया लेकिन मेन के ऊपर हमने इंट आई कर दिया, अब ये जो आई है ये अपने आप एक्सटर्न हो गया, तो आप चाहे यहां पर आई प्रिंट कराए आपको आई मिलेगा क्योंकि ये अपने आप जीरो हो गया। इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल कराए यहां पर जाएंगे आप, अभी आपके पास जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होगी, यहां प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट करिए तो एक और वैल्यू इंक्रीमेंट होकर आ जाएगी, डिक्रीमेंट करिए तो वही वैल्यू जो थी वो एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, वही वैल्यू जो डिक्रीमेंट हुई है उसका एक और डिक्रीमेंट यहाँ हो जाएगा क्योंकि दो बार कॉल हुआ। तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा आई इनिशियली जीरो हो गया, ये इसे वन कर देगा, ये इसे फिर टू कर देगा,
फिर उसके बाद क्योंकि 2 हो चुका है तो डिक्रीमेंट इसे कम कर देगा, मतलब 1 2 के बाद ये 1 हो गया, और एक बार और डिक्रीमेंट करेगा तो 1-1 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई सबके लिए अवेलेबल है, इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, तो हो सबके लिए अवेलेबल है। एक और देखिए आप, int x इक्वल टू 21 दिया आपने, और यहां पर int y इक्वल टू 31 दिया आपने। कहा इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा कि यहां पर int x इक्वल टू 21 दिया, और यहां पर आपने कहा int y इक्वल टू 31, और यहां पर अंदर बताया कि एक्सटर्न int y ये कहीं एक्सटर्नल में है, ये आपने बता दिया कि कहीं एक्सटर्नल में x 21 है y 31 है। इसको प्रिंट अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों ही ग्लोबल वेरिएबल हो गए, क्योंकि दोनों ही बाहर आपको आपने बनाए हैं और वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक्सटर्नल इंट y और इंट y को 31, जो पहला स्टेटमेंट है ये डिक्लेरेशन है, जबकि दूसरा जो है ये डेफिनेशन है, मतलब जहां वैल्यू हम देते हैं उसे डेफिनेशन कहते हैं। जब हम इसको यहां करते हैं तो हमने कोई स्पेस रिजर्व नहीं की, जबकि जब हम इसे डिफाइन करते हैं तब ये एक्चुअल मेमोरी में जगह लेता है। तो इसका मतलब हमको y को डिक्लेयर करना पड़ेगा अगर उसको printf में हमें यूज करना है, अगर उसकी बिफोर इट्स डेफिनेशन इज एनकाउंट, हमको पहले बताना पड़ेगा कि देखिए y साहब y आने वाला है, इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, लेकिन पहले इसको ये आप देख लीजिए कि y के लिए कोई एरर मत दीजिएगा। लेकिन क्योंकि x ऊपर था वो अपने आप आपने बता दिया कि x आने वाला है और उसको हमने डेफिनेशन दे दी, तो उसको कहीं भी आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि वो एक्सटर्न है। एक एक वेरिएबल को आप कितने बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन उसकी केवल एक बार दे सकते हैं। एक और चीज इसमें है, इस प्रोग्राम का आउटपुट देखिए, ये एक्स 10 है या एक्स 20 है। अगर आप एक्सप्रिंट करेंगे तो आपको 20 मिलना चाहिए या 10 मिलना चाहिए, ये एक सवाल है। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन में गए, यहां पर एक्स क्या मिलेगा आपको, 10 मिलेगा 20 मिलेगा। ऐसे देखने से तो लगता है कि यहां पर 20 मिलना चाहिए और यहां आपको 10 मिलना चाहिए। एक्स यहां पर दो जगह है, एक तो मेन के बाहर भी है और एक आपने अंदर दिया है, लेकिन जैसे कंट्रोल प्रिंटर पर पहुंचेगा जो मेन फंक्शन के अंदर है, एक्स प्रिंट होगा। तो ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा जो लोकल वेरिएबल होता है ना उसको ग्लोबल से प्रेफरेंस मिलती है। तो जैसे मैंने आपको वहां पर इंगित किया था, इंडिकेशन दिया था कि 20 दिखना चाहिए तो 20 ही दिखेगा, लेकिन जब डिस्प्ले आप बाहर आ गए और कंट्रोल डिस्प्ले के अंदर प्रिंटर पे पहुंचा तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है क्योंकि वहां कोई एक्स है नहीं, ऊपर एक्स ग्लोबल है तो वो 10 को प्रिंट कर देगा, जैसे वहां बताया था वो 10 प्रिंट करेगा। एक और चीज समझिए कि जो स्टैटिक वेरिएबल है वो भी आप बाहर दे सकते हैं सबके बाहर, तो हर एक प्रैक्टिकल पर्पस के लिए उसको एक्सटर्न की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि स्टैटिक भी अपने आप जीरो हो जाता है, उसकी लाइफ टाइम भी हमेशा रहती है, लेकिन जो स्कोप है उसका वो उस फाइल के लिए रहेगा, जबकि एक्सटर्न का बाकी फाइलों के भी रहेगा। किसी और फंक्शन जो दूसरी फाइल में है उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा स्टैटिक, एक्सटर्न जरूर हो जाएगा। तो कौन सी चीज कब यूज करें, बहुत सारी चीजें बताई गई इसमें, कौन सी चीज कब यूज करनी है, डेनिस रिची साहब ने भी काफी चीजें बताई। हम इसके लिए कुछ रूल्स तैयार कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन सी चीज कहां यूज करनी है। पहली चीज मेमोरी स्पेस की इकोनॉमी, जो वेरिएबल यूज करेंगे जगह उसकी इकोनॉमी देखनी पड़ेगी, और आपको स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन देखनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कहां रखेंगे तो हमारा प्रोग्राम फास्ट होगा या स्लो होगा। तो इस तरीके से है कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास वो तभी यूज करें आप जब चाहते हैं कि फंक्शंस के बीच में वैल्यू परसिस्ट हो। रजिस्टर स्टोरेज क्लास आप तभी यूज करें जब कोई एक आपका वेरिएबल बार बार यूज हो रहा है, क्योंकि सीपीयू लिमिटेड है आपके पास, वो ज्यादा नहीं है, और अगर आपने सीपीयू की जगह घेर ली तो सीपीयू क्या यूज करेगा। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास लूप काउंटर के लिए यूज होते हैं मैक्सिमम टाइम। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास उन वेरिएबल के लिए यूज करें जो सारे फंक्शन बार बार यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि बार बार आपको वेरिएबल पास नहीं करना पड़ेगा आपके फंक्शन में। अगर सारे आपके एक्सटर्न कर दिए तो जगह वेस्ट करेगा ये, क्योंकि ये भी जगह पकड़ के रहता है, क्योंकि एक्टिव रहता है पूरे लाइफ टाइम में। अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं है ऐसी तो सबसे बढ़िया है ऑटो, बल्कि मैं आपको बताऊं ऑटो इंट आई, ये आपने अभी देखा ना, अभी तक हम जो इंट आई करते आए हैं वो अपने आप में ऑटो था, हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे थे क्योंकि इसके आगे आप बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है।
समराइज करते हैं इस चैप्टर में हमने क्या देखा। हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप यूज करते हैं, उसका वेरिएशन भी यूज करते हैं। हमारे पास जो प्रिमिटिव है, साइन, अनसाइन, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं इनको प्रिंट कराने के स्कैनर और प्रिंटर में। जो जितने जितना वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप डिफाइन करता है कि वो कितनी जगह मेमोरी में लेने वाला है। जितने भी वेरिएबल होते हैं वो बाय डिफॉल्ट साइन होते हैं, अनसाइन के लिए आपको स्पेसिफिकली देना पड़ता है क्योंकि इससे उसका बाइट ऑक्यूपेंसी बढ़ जाता है। हम ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न और स्टैटिक, ये चार हमारे पास स्टोरेज क्लासेस है और डिपेंडिंग अपॉन क्या स्टोरेज है, इनिशियल वैल्यू क्या चाहिए आपको, स्कोप क्या लाइफ है, उस हिसाब से इसको हम यूज करेंगे। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, डेटा टाइप रिविजिटेड। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।